नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JMD डिजिटल MP में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PM किसान EKYC के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PM किसान EKYC के रिलेटेड CSC भाइयों को और PM किसान जो कि किसान भाई हैं उनको यहाँ पर बहुत परेशानी आ रही थी। तो सिंपल सा PM किसान EKYC के लिए आपके लिए यहाँ पर एक न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है। वो नोटिफिकेशन में आपको क्या बताया गया है उसकी A to Z जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप PM किसान EKYC में आप सिंपल सा अपने मोबाइल से ही EKYC की प्रोसेस को कैसे कर सकेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखना है और उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, जैसे कि बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगी या नहीं लगेगी, उसकी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको अंत में एक PM किसान EKYC करके दिखाऊंगा जो कि आपके सिंपल मोबाइल से ही होगी। उसके लिए आपको सिंपल सा बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही CSC सेंटर पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सिंपल सा PM किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आपको सिंपल सा कैसे EKYC करना है उसकी A to Z जानकारी आगे मिलेगी आपको। और यहाँ साथ ही इसमें क्या अपडेट आई है और क्या नोटिफिकेशन आया है ना है आपके लिए उसकी A to Z जानकारी आगे मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो कर लेते स्टार्ट और जान लेते हैं कि PM EKYC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या नोटिफिकेशन आया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें और यहां पर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देखने को मिले, क्योंकि हम लाते हैं हमारे चैनल पर डिजिटल और CSC से रिलेटेड वीडियोस। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाए, क्योंकि वहाँ मिलेगी आपको सारी इंपोर्टेंट न्यू अपडेट लिंक और न्यू अपडेट्स सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में PM किसान .gov.in ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो आप भी इस वेबसाइट पर आने के लिए सिंपल सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप सिंपल सा अपने क्रोम में सर्च कर सकते हैं। अब मैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया था पहले ही कि इसमें क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या अपडेट आया है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट के डैशबोर्ड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है आपके लिए। यहाँ पर सभी किसान भाइयों को ये अपडेट या ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, EKYC इज मैंडेटरी फॉर PM किसान या किसान रजिस्टर्ड फार्मर, OTP बेस्ड EKYC अवेलेबल ऑन PM किसान पोर्टल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जैसे कि मैं नीचे आपको बता दूंगा कि ये ऑप्शन है, ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं EKYC न्यू, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ऑप्शन पहले से यहाँ पर अवेलेबल था, यह ऑप्शन यहाँ पर पहले से अवेलेबल था लेकिन कुछ दिनों पहले यह ऑप्शन यहाँ पर हटा दिया गया था। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो PM किसान का EKYC का ऑप्शन है यहाँ पर आप वापस से ऐड कर दिया गया है। उसका नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर सिंपल सा जानकारी भी दे दी गई है कि यहाँ पर जो PM EKYC का जो OTP बेस पोर्टल है, यहाँ पर देख सकते हैं OTP बेस EKYC अवेलेबल ऑन PM किसान, PM किसान के पोर्टल पर OTP बेस का जो EKYC माध्यम है वो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है या फिर उपलब्ध करा दिया गया है। अब आप नीचे देख सकते हैं इसका एक अपडेट और दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं PM किसान बेनिफिक्चरी हैज़ बीन एक्सपेंडेड टिल 31 मई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मई, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेट है PM किसान EKYC की, ये डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, एक्सपेंडेड कर दिया गया है। तो ये कितना आगे बढ़ाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, 31 मई तक आप PM किसान EKYC के पोर्टल पर अपनी KYC कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पर वो मिला है जैसे कि यहाँ पर OTP बेस, आपको यहाँ पर OTP बेस कैसे PM किसान पर जो OTP बेस EKYC है उसको कैसे करना है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, सिंपल सा जैसे कि मैं आपको आगे इस वीडियो में ही बताने वाला हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को पूरा समझें और पूरा देखें। तो मैं आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाना है, नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं मैं आपको सिंपल सा अपने मोबाइल से ही एक PM किसान OTP बेस EKYC करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको इस ऑप्शन के द्वारा PM किसान EKYC की प्रोसेस को कर लेना OTP बेस को। तो सिंपल सा आप इसको वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर से,
या फिर सिंपल सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाना और सिंपल इस एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन आपको उपलब्ध कराया गया है पोर्टल पर या वेबसाइट पर, तो देख सकते हैं डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप। तो इस ऐप से भी आप सिंपल सा ई केवाईसी कर सकेंगे। तो आपको सिंपल सा आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर अगर आपसे नहीं बन रहा है तो सिंपल अपने सीएससी सेंटर पर चले जाएं और यहाँ पर देख सकते हैं सीएससी के माध्यम से भी अपनी ये ईकेवाईसी को करा सकते हैं, पीएम किसान ईकेवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे वीडियो के इसी वीडियो में आपको आगे बता देता हूँ कि आप सिंपल सा अपने मोबाइल से कैसे करेंगे पीएम ईकेवाईसी को अपने मोबाइल से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल सा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सिंपल सा ये ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में चले जाना है और सर्च बार में टाइप कर देना है पीएम किसान। तो इस टाइप से जैसे ही आप पीएम किसान लिख कर टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से pmkisan.gov.in ये वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर आपको फ्रंट में लिखा हुआ रहता है पीएम किसान सम्मान निधि। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि और यहाँ पर एक जो दिख जाएगा चिन्ह है वो चिन्ह दिख जाएगा। उसके बाद में अपनी लैंग्वेज को चेंज करना हो तो सिंपल सा इस इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आपको टच कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन में आपको यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज दिख जाएगी, जो लैंग्वेज में आप चलाना चाहते हैं। जैसे कि मैं हिंदी में चला रहा हूँ, हिंदी में सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ या क्या क्या अपडेट आया है। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से आपको ई केवाईसी से कैसे करना है आप देख सकते हैं। नीचे चले जाना आपको ई केवाईसी ओटीपी बेस। तो ओटीपी बेस कैसे करना है आपको सिंपल सा नीचे चले जाना। नीचे जाने के बाद देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको मिल जाता है ई केवाईसी। ई केवाईसी के नीचे आपको और भी ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के लिए ये सर्विस दी हुई है, किसानों के लिए यहाँ पर इस टाइप से क्या क्या सर्विस दी है। तो आप देख सकते हैं लाभार्थी की स्थिति जाँचे, रिफंड, ऑनलाइन रिफंड और यहाँ पर ई केवाईसी। तो जैसे कि मैं इस यहाँ पर एक ई केवाईसी करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ई केवाईसी ऑप्शन दिख जाता है। उससे नीचे यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नया किसान पंजीकरण, लाभार्थी की स्थिति जाँचे और यहाँ पर आधार रिफरल रिकॉर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारी सर्विस दिख जाती किसानों के लिए। तो सिंपल सा हमको यहाँ पर ई केवाईसी की सर्विस को देखना है तो सिंपल सा इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर आगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार ओटीपी केवाईसी, आधार ओटीपी ई केवाईसी। यहाँ पर आपको अपने किसान का आधार नंबर डाल देना है, अगर आप खुद किसान हैं तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेना है। उसके बाद में नीचे देख सकते हैं सर्च कर लेना है आपका रिकॉर्ड यहाँ पर। तो यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद सिंपल सा सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिंपल सा स्टेप से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप कोई भी डाल सकते हैं और यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। उस वन टाइम पासवर्ड को सिंपल सा यहाँ पर आपको लिख लेना है और यहाँ पर सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो ओटीपी यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है, ओटीपी आने में कुछ टाइम आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ले लेना है ओटीपी। ओटीपी आने के बाद सिंपल सा ओटीपी सबमिट करेंगे और यहाँ पर सिंपल सा ग्रीन वाले ऑप्शन पर ओटीपी सबमिट ऑप्शन दिखता है, इस पर ओटीपी सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ओटीपी और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार रजिस्टर मोबाइल ओटीपी, मतलब यहाँ पर जो आधार पर रजिस्टर है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है, उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो सिंपल सा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपके रजिस्टर मोबाइल पर आया ओटीपी को यहाँ पर सबमिट कर देना और सिंपल सा सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी केवाईसी यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगी। तो इस टाइप से आप भी घर बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से किसान ई केवाईसी की प्रोसेस को कर सकते हैं। तो आपको भी अपनी ई केवाईसी की प्रोसेस को घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर लेना है। हमारा ये वीडियो देखकर आप भी घर बैठे कर सकते हैं। ये तो थी दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आई दोनों न्यू अपडेट। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों न्यू अपडेट के बारे में बता दिया है, पीएम ई केवाईसी करके भी आपको दिखा दिया है। तो आशा करते हैं कि आप भी हमारा ये वीडियो देख के सिंपल सी दो तीन स्टेप में आप भी घर बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही ई केवाईसी की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा लेटेस्ट न्यू डिजिटल सर्विस के रिलेटेड वीडियोज़।